कोई से भी अपने आंसू पोंछने में काम आए। मैं जानता था कि तुम आज कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगी, इसीलिए मैंने किचन में कैमरा लगा दी। कभी किसी का यकीन, कभी सीढ़ी, ये सब तोड़ने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। कोई बात नहीं, ये लो एक और कॉपी। चाहे तो ये सारी तोड़ दो, मेरे पास और भी कॉपीज हैं। अब तोड़ने फोड़ने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो मैं प्ले करूं। एंजॉय। कुछ मिला? नहीं, शायद एक गलत सीडी। गलत नहीं, ये सही सीडी है। इसमें लक्ष्य और स्वरा के संगीत की वीडियो रिकॉर्डिंग है। मजा आया ना? सोचा तुम्हें एक छोटा सा हार्ट अटैक दे दूं। तुमने आज जो स्वरा के साथ किया, ये उसकी एक बहुत ही छोटी सी सजा था। एंड यू नो व्हाट रागिनी, तुम्हें और स्वरा में यही फर्क है। वो अपने सही मकसद के लिए भी तुम्हारे जितना नीचे कभी नहीं गिर सकती। लक्ष्य, आज जो हालात है, जो सारे रिश्ते बदल गए, जिस तरह सारी जिंदगियां बदल गई है, वो सब कुछ रागिनी की वजह से हुआ है। लक्ष्य, तुमने मुझसे जवाब मांगा, मैं सिर्फ तुम्हें जवाब दे रही हूँ। एक बार सुन तो लो। बोलो। रागिनी तुमसे प्यार करती है, हमेशा करती थी। उसने कभी तुम्हें अपनी लाइफ से दूर किया ही नहीं था। एक बार वो मुझे बता देती ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी आती ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशियां सबसे ज्यादा जरूरी थी। राज भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने गिल्ट और तुम्हें खोने की इनसिक्योरिटी में इतनी अंधी हो गई है कि उसे सही और गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच ना बोलकर उसने झूठ का रास्ता अपनाया, मुझे हमारे रिश्ते के लिए कन्विंस किया और फिर अपने स्वीट इनोसेंट नेचर में फंसा कर हम दोनों को अलग कर दिया। लक्ष्य, अगर बात सिर्फ इतनी होती ना तो मैं खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती, तुम्हारे बिना जीना भी सीख जाती। पर नहीं, उसकी सेल्फिशनेस में मेरे माँ बाबा अलग हो गए। वो माँ बाबा जिन्हें एक करने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़े थे, स्वरा और रागिनी से स्वरागिनी बने थे, इतनी मुश्किलें झेली थी, उसकी एक गलती की वजह से मेरा परिवार टूट गया। और मुझे ये बर्दाश्त नहीं, मैं यहाँ पर अपने माँ बाबा को एक करने के लिए आई हूँ। No, sir. Not again. तुम्हें क्या लगा तुम मुझे एक फिल्मी स्टोरी सुनाओगे और मैं तुम्हारी बात में फिर से फंस जाऊं? दरअसल तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मुझे छोड़ जाने के बाद मैं रागिनी से शादी कर लूंगा। और जब मैंने ऐसा किया तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो, तुम्हें लगने लगा कि रागिनी ने मुझे अपनी जान में फंसा। सच तो ये, रागिनी से शादी करने का फैसला मेरा था, मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। और मेरे फैसले की सजा तुम रागिनी को कैसे दे सकती हो? और एक और बात, तुम यहां अपने माँ बाबा को एक करने नहीं बल्कि मुझे और रागिनी को अलग करने आई हो। तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो? सोच भी मुझे तुमसे मिली है सर, क्योंकि मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, आज भी मुझे पाना चाहती हो,
चाहती हो ना? हाँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करती, पर मैं तुम्हें पाना चाहती थी लक्ष्य, वो भी हम दोनों की मर्जी से, पर मेरी उस खुशी को मेरी बहन रागिनी ने मुझसे छीन। शराब चोरा, रागिनी का नाम ले लेके और कितने झूठ बोलोगे? कितने? जी, शायद कोई चिल्ला रहा है। खैर, आप छोड़िए ना जे बात को पार्वती जी, आप मारे को जे बताइए कि आपने आज शाम की मुदिखाई में आने के लिए क्यों मना कर दिया? देखो सुजाता जी, साथ में वह बंगालन की नातन की भी तो मुंह दिखाई होगी ना, और सच कहूं मारा ना वह छोरी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का बिल्कुल मन ना करता। अरे पार्वती जी, आप ना बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आज शाम को मुंह दिखाई सिर्फ रागिनी की होने वाली है, जब बंगाली छोरी की मुंह दिखाई ना होगी। साची कह रहे हो सुजाता जी? हाँ, तो उस बंगाली छोरी को मैं घर में ले आई हूँ, वही बहुत। जल्दी चलिए ना प्लीज, वो लक्ष्य भैया और स्वरा का फिर से झगड़ा हो गया है। हाँ तो के करूँ मैं? तो एक काम कर, जिज्जी है ना घर में, तो जिज्जू को बोलते वो संभाल लेंगी, फोन पे बहुत जरूरी बात कर रही हो। है ठीक है। क्या हुआ, कौन झगड़ रहा है? ये बंगाली छोरे के कदम जब से हमारे घर में पड़े हैं ना, रोज कोई ना कोई तमाशा तो होता ही रहता है हमारे घर में। आप आना जरूर आज शाम को, ठीक है? अरे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाइए, जरूर आऊंगी। तो फिर शाम को मिलते हैं जी। भगवान जाने अब कौन सा नया तमाशा हो गया, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं, तुम हर बात झूठ बोलती, और सच तो ये है कि तुम्हारी गलतियों की सजा हर बार रागिनी भुगतती आई है। लक्ष्य चुप हो जाओ, स्वरा तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इस तरह लक्ष्य के कमरे में आना सही नहीं है बेटा। मां एक मिनट, अब जब आप सब लोग यहां आ ही गए तो मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, स्वरा के 100 झूठ के सामने अपना एक सच लाना चाहता हूं, एक वादा करना चाहता हूं। रागिनी प्लीज इधर, रागिनी आई एम सॉरी। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए क्योंकि रागिनी को मैंने आज तक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शादी होने के बाद भी हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज आप सबके सामने, स्पेशली तुम्हारे सामने सुना, मैं ऐलान करता हूं कि आज रात को मैं अपने और रागिनी के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में बदलूंगा। रागिनी तुमने अपनी बहन के लिए आज तक बहुत कुछ सहा, बहुत ठोकरें खाई, पर अब और नहीं, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक देता हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। लक्ष्य बस चुप हो जाओ, सब अपने अपने कमरे में जाओ। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है, जाओ। चलो सो। सोरा थैंक यू।
स्वरा तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। आज तुमने मुझे वो तोहफा दिया है जो शायद ही कोई बहन किसी को देती होगी। स्वरा आज तक हमें तुमसे हमारा प्यार छीनना पड़ा पर आज तुमने हमें हमारा प्यार सौंप दिया। थैंक यू स्वरा। स्वरा अब तुम्हें भी इस झूठी शादी में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम दोनों जाओ, हमें तैयार होना है हमारी मुंह दिखाई के लिए। हाँ से ही तो गड़बड़ था, लगता है अभी पूरा पागल हो गया मनोरंजन। अरे ए मनोरंजन, बाप रे बाप पागल हो गया हाँ? ऐसा क्यों टन 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 थाला पिटता है? ए बंगालन, थारी बर्बादी की खुशी में पीट रही हूँ या थाली। कल जो अथे तमाशा हुआ था, थारी नातिन और वह संस्कार की शादी का तमाशा। वो तमाशा नहीं, मेरा नातनी का विवाह था। विवाह सबका सामने में ही ना सब विदाई हुआ। वो जो थारी नातिन का विवाह हुआ था ना, वो तो भेद खुलने जा रहा है आज। माँ ये सब आप क्या बोल रही हैं? साची कह रही हूँ, वो जो झूठी शादी की ना, वहां का सच आएगा सबके सामने। इसकी छोटी शादी में ये लो बेटी सारी दुनिया में षड्यंत्र रचा रही है, अठे माँ को कुछ पता ही ना है वहां के बारे में। देख लो ए ममता में अंधी, अगर थारी बेटी ने वह बेशरम लड़की ने सच में शादी की है तो फिर आज वहां की मुंह दिखाई क्यों ना हो रही? माँ आज उसकी मुंह दिखाई है ना? ना, सिर्फ मारी लाडो की मुंह दिखाई है। ऐसे बहुत चक्के होने की जरूरत ना है। अगर मारी बात पर जरा सा भी शक है ना, तो अपनी बेटी को पूछ, अरे सब सच बता देगी। छोड़ो, आप लोगों को आमंत्रित कर रही, मारी लाडो की मुंह दिखाई है, सबको आना है, मारी लाडो को आशीर्वाद देना है। ला बंगालन, ये टाइम से आ जाना। माँ, मैं दीदी देखो, वो माँ क्या कह रही थी? स्वरा और संस्कार की झूठी शादी हुई है। माँ शक्ति बोल, क्या स्वरा के बारे में तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे ना रे बाबा। तो फिर सिर्फ रागिनी की मुंह दिखाई क्यों हो रही है माँ? अरे दूर, ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा, कुछ नहीं है ऐसा। उस मरण को बातों पे भरोसा करती है। अरे वो तो बोल देता है ना, जो मुंह में आता है वो ही बोलता है। नहीं माँ, वो ऐसा क्यों करेगी? सबके सामने बिना कोई वजह स्वरा और संस्कार की शादी को झूठा क्यों बोलेगी? और अगर सच में आज सिर्फ रागिनी की मुंह दिखाई है ना माँ, तो वो बहुत गलत है। तो मतलब यह है कि उन लोगों ने अब तक स्वरा को अपनाया ही नहीं है। बोलो ना माँ। तुझे तो पता है ना, ये शादी वो घर वाला को मुर्जी का खिलाफ हुआ है, तो एडजस्ट करने में तो थोड़ा वक्त लगेगा ही। अरे बाबा सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब आज मेरी बेटी की मुंह दिखाई नहीं हो रही, कितना कुछ सह चुकी है वो।
अब ये सब शांत हो जा, तुम्हें चिंता मत कर। अभी तो मुख दिखाई नहीं हुआ ना, वो तो शाम में होगा। पर माँ, अरे बाबा पर 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 रख तो टाइम खाली पर 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 तो अपना बेटी का पर भरसा है ना, देख शाम में उसका भी मुख दिखाई होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रागिनी ने इतनी आसानी से पूरी बाजी पलट दी। माइनर संस्कार, पर कोई क्या कर सकता है? बिना दिक्कतों के आज तक किसी को अपनी मंजिल मिली है जो हमें मिल जाएगी। पर सच बात तो यह है कि हमें इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हमारा सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो स्वरा। पर अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके दो चेहरे हैं। रागिनी शक्ल से जितनी भोली दिखती है, अंदर से वो उतनी ही शातिर है। You're right. आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। पर संस्कार सच बात ये है कि कोई चाहे कुछ भी कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज लक्ष्य और रागिनी के एक होने के बाद लक्ष्य को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद वो रागिनी पर और भी ज्यादा अंधा विश्वास करेगा। पर कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने माँ बाबा को एक करके रहूंगी। लेकिन स्वरा, लक्ष्य और रागिनी ये कैसे हो सकते हैं? लक्ष्य सिर्फ तुमसे प्यार करता है स्वरा। अब इस बात का कोई मतलब नहीं, और वैसे भी वो दोनों शादीशुदा है और मैं उन दोनों को अलग करने नहीं आई हूँ। और ये शादी का फैसला भले ही लक्ष्य ने जानबूझकर बिना सोचे समझे लिया, पर ये फैसला उसका था। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लक्ष्य तो तुम्हारा पहला प्यार था स्वरा, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हो? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है संस्कार, मानती हूँ कि मुझे प्यार करना लक्ष्य ने सिखाया, प्यार का मतलब समझाया, ये एहसास करवाया कि म्यूजिक और फैमिली के बाद भी एक लाइफ होती है। पर संस्कार, सच्चा प्यार हर तूफान, हर झगड़े, हर बुरी नजर को हरा देता है। हमारा प्यार तो पहले ही चुक गया, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए थे ही नहीं कभी, इसलिए क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, आज तक सिर्फ किताबों और फिल्मों में मैंने भगवान राम और श्रवण कुमार जैसे बच्चे देखे थे जो अपने माँ बाप के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पर आज 21वीं सदी में पहली बार मैंने श्रवण कुमार देखा जो खुद हजारों प्रॉब्लम से घिरी है, उसके बावजूद भी दीदा, हाँ दीदा, शुरू तेरा माँ को तेरा झूठा शादी पर शौक हो रहा है क्या? क्या हुआ? अभी ना तुझे वो मुख दिखाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। पर दीदा, दीदा ऐसे कैसे हो सकता है? ये शादी झूठी है, फिर ये मुंह दिखाई और ये क्या करूं बेटा? वो तेरा दादी है ना, मेरा परेशान, वो तो मेरा जानकर दुश्मन बन के बैठा है।
वो तो खाली पीट पीट ये सारा बारी में बता दिया तेरा मुख दिखाई का बारी में। पर दीदा अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने संस्कार की मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी मुंह दिखाई नहीं करवा सकती। क्या करूं बोल, तेरा माँ तो सब जान जाएगा, फिर हमारा प्लान पूरा नहीं होने देगा। पर अब क्या करेंगे दीदा? अरे सोच मत, अभी तेरा दीदा जिंदा है ना, हाँ मैं बताती हूँ सुन।